एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, और मैंने आपको शायद पहले बताए थे लोगों की जानकारी के लिए उन्हें भी बताना चाहूंगा कि ऐसे भी लोग हैं, दिल्ली के काफी अच्छे मुस्लिम कोच हैं, और रिसेंटली होली का टाइम इनके छोटे छोटे बच्चों ने उनको बोला कि पापा हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पापा ने पूछा क्यों नहीं खेलोगे, तो उन्होंने बोला कि चाचू के बच्चों ने हमें बताया है, किसी पड़ोसी ने बताया कि तुम मुसलमानों होली नहीं खेलते। उनके फादर ने उन्हें डांटा कि तुम ऐसी चीजें क्यों सीखते हो, तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है होली खेलना, ईद मनाना, सब दिवाली मनाना, तुमको किसने सिखाया हिंदू मुस्लिम अभी के। ऐसे भी लोग हैं सोसाइटी में, तो ऐसे लोग अगर हैं तो मतलब सब एक जैसे नहीं है। नहीं है सर, सब एक। मैं आपको ये दो लोग बताए कि ये दो लोग मुझे प्यार देने आए, इन्होंने मुझे बहुत सत्कार दिया दी, और पता भी चला कि इनके मन में सच में इज्जत है, और ये प्रभु राम की भी इज्जत करते हैं, पूरे हिंदू राष्ट्र की इज्जत करते हैं। लेकिन दो लोग ऐसे आए तो आठ आठ मेरे को धमकियां भी आई होंगी, आठ मुझे फोन कॉल ऐसे भी आए होंगे कि यात्रा में मत जाना, नहीं तो। तो मैं आज भी उसी बात पे बोलूंगा कि मैं महाराणा प्रताप का ही वंशज हूँ। मैं आज भी इसी बात पे बोलूंगा कि 15 मिनट नहीं लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे जिस दिन आमने सामने की लड़ाई होगी। ये उन्हीं आतंक आतंक जो क्रिएट करते हैं। सोचो एक सेलिब्रिटी को, फिटनेस सेलिब्रिटी को, जो सिर्फ अपनी भव्य यात्रा को ज्वाइन करने जा रहा है, अपने हिंदू धर्म पे गर्व करता है, उसको धमकी दे रहे हैं कि आप मत जाओ। रोक लो, कौन रोक सकता है? आपने आपने मेरा धर्म, मुझे मेरे धर्म का प्रचार करने से सिर्फ और सिर्फ वो गोली ही रोक सकती है जो पार होगी मेरे, और कोई नहीं रोक पाएगा। तो भरत, एक और सवाल था कि अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने शब्द का इस्तेमाल किया या करेंगे, उसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब और कुरान से रिलेटेड काफी चीजें जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ही। मैं भी यही कहता हूँ सबसे कि आप सुनते तो हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा लिखा है वहां, वैसा लिखा है इस वर्ष में। मैं मोहम्मद साहब के जन्म से लेके उनका, उनके जो पिताजी थे उनका जो देहांत हुआ, उसके बाद उनके चाचा जी के साथ उन्होंने जो अपना ट्रेड बिजनेस ज्वाइन किया, उनकी जो शादी हुई जिस विधवा के साथ हुई, उसके बाद उनका पहला मंदिर कौन सा तोड़ा जाके, उसके बाद उन्होंने कैसे अपने, उनको गैब्रियल कहाँ मिला था, कौन सी गुफा में मिला था, और उन्होंने उसको शक्ति दी पढ़ने की कि पढ़, वो बोले कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट कुरान, तभी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ। बिल्कुल, तभी मैं हर किसी को बोल देता हूँ कि आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर लो। जो लोग ये इन जैसे मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो इनको जितना नहीं पता होगा उतना मुझे पता। अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, तो अल्लाह अकबर एक्सेप्टेबल नहीं है। जीरो एक्सेप्टेंस फॉर अल्लाह अकबर फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है प्रेज द गॉड। जय श्री राम। तो शब्द है सर, खूबसूरत शब्द को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा घिसा जाता है। माशाल्लाह बोलते हैं लोग। लैंग्वेज से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भाषा संस्कृत है लेकिन हम हिंदी बोलते हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत तो लुप्त हो चुकी है, गुरुकुल बनाने की कोई बात नहीं करता है। मेरे जैसा इंसान सोचता है कि संस्कृत सीखूं तो अवेलेबिलिटी कितनी कम है। जबकि संस्कृत काफी सारे यूरोपियन कॉलेज के करिकुलम का पार्ट है, बाय द वे। बिल्कुल बिल्कुल, नेदरलैंड्स में और काफी सारे यूरोपियन कॉलेजेस के करिकुलम का पार्ट है, पर इंडिया में नहीं है। थाईलैंड एयरपोर्ट के ऊपर समुद्र मंथन की पूरी मूर्तियां बनाई हुई हैं, एक तरफ राक्षस हैं, एक तरफ देवता हैं, ऊपर महाविष्णु खड़े हैं। और थाईलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजधानी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि, बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि। पर देखिए सर, फिर भी ये लोग ओपनली ये चीज नहीं बोलते कि हम प्रभावित हैं बहुत ज्यादा, और हम पीछे से वही हैं। बहुत बहुत डरते हैं। इतना इतना ज्ञान भंडार हमारे किताबों में है यहाँ पे, और बात तो वही है ना कि नालंदा ना जलती तो आज पता नहीं क्या होता फिर। बिल्कुल, वो नालंदा की तो कहानी अलग है, खैर इतिहास के पन्ने जानना जरूरी है। तो इंडोनेशिया, वो सब दहशत गर्द है। मैं ये बात एक बात करता हूँ, यहाँ पे जितने ज्यादा, जितने से ज्यादा मुस्लिम भाई मैं जानता हूँ वो सब हिंदू है,
वो सब पीछे से हिंदू ही हैं। बस आपने ये भी सुना होगा, राजपूत भी होते हैं इनमें, राजपूत मुसलमान, जाट मुसलमान, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, मेरे लिए सब कोई हिंदू है, मेरे लिए सब कोई प्यारा है। और जो कोई भारत को नहीं मानता वो सारे आतंकवादी, वो बस इंतजार करे, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। माँ भवानी रण में उतर चुकी हैं ऑलरेडी, सिविल वॉर इज कमिंग, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है उसके बाद भी आप क्या वेट कर रहे हो? मैं तो अपने युवा को यही बोल रहा हूँ कि बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अब जो जो सुपर पावर्स थी वो सुपर वीक होंगी, और जो डेवलपिंग है वो सुपर पावर बनेंगी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। यस यस, और वो हमें हर वर्ल्ड स्टेज पे जियोपॉलिटिक्स में दिख ही रहा है कि हमारे पास बहुत युवा है, बहुत युवा है हमारे पास, हम बहुत लीड करेंगे इस चीज में। ऑलराइट भरत, एक फाइनल क्वेश्चन और है। काफी सारे जो आपके फॉलोअर्स हैं वो इस समय थोड़ा दुखी, परेशान या डिसअपॉइंटेड नजर आए, जो कॉमेंट्स मैंने पढ़े थे आपके पोस्ट में। आई एम श्योर उनको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको उनको कुछ क्लैरिफाई बिल्कुल क्लियर शब्दों में करना चाहिए ताकि वो साथ बने रहे और एक छोटे छोटे चीजों में अपने आप को डिसअपॉइंटेड महसूस ना करें कि भरत को बिक गया है या फिर खरीद लिया है, ये है वो है, ये भी चला गया उस तरफ एंड ऑल दैट, ऐसा वो महसूस ना करें। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं? ये जैसे मैं बोलूंगा, मैं तो इसको प्रैक्टिस की तरह ही समझ रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि चिंता कर रहे हैं, पहले तो मेरे को पता है कि मेरे वाले तो चिंता नहीं करते। राम जी साथ में है तो चिंता है नहीं है कोई भी उनको। कहीं ना कहीं वो जानते थे, मेरे को लगता है सवाल ज्यादा थे लोगों के, कंप्लेंट ज्यादा थी, कंप्लेंट अपनों से होती है। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा, मैं कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि मैं ये लीड पकड़ूं सारे युवाओं की और कोशिश करूं अपने हिंदुत्व को सबसे ज्यादा आगे पुश करूं और प्रचार करूं। ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपना जितना मेरे हाथ में कर्म था, कहते हैं कि जो हमारे हाथ में हमें वो करना चाहिए। अब जैसे सबसे छोटी गिलहरी थी राम सेतु बनाते हुए, लेकिन उसको बहुत महत्वता मिली राम जी से, क्योंकि उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। तो मैं तो बस वो कर रहा था, लेकिन इन सब लोगों की उम्मीदें जुड़ी। मैं तो रामनवमी में गया था नॉर्मल मिलने, लेकिन लोगों ने मुझे सिर पे बिठाया, अपने इतना प्यार दिया, उनको लग रहा है कि ये लीडर बन सकता है, ये बोल सकता है हमारे जो विचार हैं। देखिए हमारा एक सेम विचारधारा है, लेकिन शायद कुछ कहीं शब्दों की कमी पड़ती है कुछ लोगों के पास स्पीच की कमी पड़ती है, साहस की कमी पड़ती है पब्लिक में बोलते हुए। ऐसा नहीं है कि हिंदू के अंदर जिगरा नहीं है, हर एक हिंदू बहुत ज्यादा दिलेर है, हर एक हिंदू। लेकिन एक क्या होती है, एक भगवान की दी हुई सबको एक ड्यूटी होती है। सो मुझे जब मैंने बात करनी शुरू करी, अपने भाव व्यक्त करने शुरू किए, तो सबने रिलेट किए थे। इसका मतलब सबके सेम विचारधारा है, मैं बस उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ सबकी म्यूचुअल फीलिंग्स को खड़ा होकर लोगों के बीच में। अगर मुझे ये ड्यूटी दी है महादेव ने, मैं तो वही कहता हूँ जो कर्म मेरे हाथ में मैं करूंगा। अगर इन लोगों ने मुझे बोला कि आप लीड करो तो मैं करूंगा, लेकिन बात इतनी सी है कि मुझ में फिर भरोसा आपको करना पड़ेगा। मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं, मैं फियर ऑफ डेथ मेरे अंदर नहीं है, मैं प्लेजर प्रिंसिपल पे नहीं जीता हूं। मेरी यही भावना एक थी कि मैं संन्यास ले लूं, बहुत छोटी सी उम्र में ही ये रियलाइजेशन मुझे हो चुकी है। संन्यास लेने वाली भावना के बाद से, गीता का ज्ञान मिलने के बाद, और अपना कर्म योग करते हुए आगे बढ़ना, यही मेरा जीवन का समर्पण है भगवान को। अब उसमें मुझे जिस भी टास्क पे डाला गया मैं वो टास्क करूंगा। हमारी पहले ही बात हो चुकी है, हमारे पहले भी इंटरव्यूज हो चुके हैं, आपने ज्यादा उस समय पे साधु देखा होगा, लेकिन अब जो हमारी बात होती है इस समय पे आप योद्धा ज्यादा देखते हैं। मैंने कमल वाले देवता देखे थे, अभी चक्र वाले ज्यादा है, एक हाथ में कमल दूसरे हाथ में चक्र। जी बिल्कुल, यही तो मैं बिल्कुल हर एक चीज अपने सनातन धर्म के अपने पास रख के, दिल में रख के, उस ज्ञान को अंदर से उठा के फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। एंड यही शायद कारण है कि हम बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। जो लहर उठी है अब हिंदुत्व की, बहुत अच्छी उठी है, लोग जाग रहे हैं। और मेरा सेकुलर वर्ड से मुझे सीधी सीधी नफरत है, और लोगों ने सेकुलर ही बोला मुझे, तो सेकुलर में मैं ये टर्म में ही बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करता हूँ। सनातन धर्म सीधा सीधा ह्यूमैनिटी सिखाता है। श्री राम ने भी संरक्षण प्रदान किया था राक्षसों को, महादेव ने हमेशा आशीर्वाद दिया है राक्षसों को। जो भी राम भक्ति करता है, विभीषण भी रावण के कुल से था,
जो भी राम भक्ति करता है उसे संरक्षण प्रदान करना हमारा ही धर्म बनता है, और उसकी सुरक्षा करना भी हमारा ही धर्म बनता है। तो मेरी यही गुजारिश है, जो भी लोग मेरे साथ अभी अग्री करते हैं, मुझे लग रहा है आप भी अग्री कर रहे हैं इस बात पे, तो जो भी ये भारत सेना हम जोड़ रहे हैं, इसका पहला हमारा सबसे संकल्प यही होगा कि जो भी हमारे मुस्लिम भाई हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मुसलमान अपना धर्म जैसे भी फॉलो करते हैं, वो अपनी जो विधि है पूरा करने की वैसे करें, या किसी का भी कुछ भी किसी को दिक्कत आती है सपोर्ट कर, जैसे एक हमारी बात हुई थी यूपी में, सपोर्ट की थी किसी ने बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी सीधा सीधा हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, तो टू फॉर सपोर्टिंग हिंदुत्व उन्होंने उनको पीट पीट के मार दिया था, पड़ोसी को पीट पीट के मार डाला। सो ऐसी जहां पे भी ये लोगों को फियर फील होता है, हमारी भारत सेना वहां पे एक्टिव होगी। टोल फ्री नंबर भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। सो मेरी तरफ से यही योगदान रहेगा कि मैं लड़ने के लिए तो बहुत शूरवीर है हमारे पास, बहुत ज्यादा शूरवीर है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों को जोड़ के रखूं, उनको भी सपोर्ट करूं, और वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे बिल्कुल इस देश को आगे बढ़ाने में। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि लोगों को और बेहतर समझ आए जो बात आप कह रहे हैं। हमारे एक जानने वाले बॉडी बिल्डर हैं, नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ स्टोरी पोस्ट की थी, एक फिटनेस आइकॉन है उनके अगेंस्ट, तेरे तो कपड़े अच्छे लगते हैं अंदर से, तो अभी भी जानवरी ऐसे करके कुछ, इस पे काफी लोगों ने उन्हें गालियां दी थी, देंगे जैसे अभी आपने यूपी वाली बात बताई है उसी तरह की, लेकिन कुछ हमारे आपके हमारे फॉलोअर्स ने भी उनको गालियां दी थी जिस बात के लिए उन्होंने मुझे बोला कि देखिए ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मैंने उन हिंदुओं से बात की कि आपने इनको क्यों गाली दी और उनको समझाया, वो लोग वापस गए और उन्होंने उनसे माफी मांगी कि हमें आपकी बात ठीक से समझ नहीं आई थी, वी आर सॉरी कि हमने आपको गलत गलत बोला और गलत समझा। ये बहुत अच्छी चीज, हिंदू हमेशा इस भावना में रहेगा, हिंदू हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा, सही बात है। गलती मानना एक बहुत बड़ी चीज है, सही को, मुझे लगता है समाज में सही को सही और गलत को गलत बोलना और मानना शुरू कर दिया तो 90% प्रॉब्लम तो साफ हो जाएगी। हाँ बस एक एक थोड़ी सी जो मुझे शिकायत लगी, मैं जहां पे भी गया लड़कों से मिला, युवा लड़के हैं सारे, यंग ब्लड है, और क्या है कि इस समय पे सबको जैसे वो आइडल ही हीरो हीरोइक फिगर्स हैं, श्री राम ही आइडल हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि हमें भी लोग जाने, हमें भी फेमस हो जाएं, लेकिन ये पर्पस कहीं कुछ और है, यहाँ पे ये रील्स बनाना पर्पस नहीं है, ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे फेमस होना पर्पस नहीं है, त्याग की भावना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे दुख क्यों नहीं हुआ जब सब लोगों ने मुझे गालियां दी, क्योंकि मैं श्री राम के चरित्र को फॉलो करता हूँ, तो त्याग की भावना सबसे पहले है। अगर मेरे पिता बोलते हैं मुझे कि आपको त्यागना होगा ये राजपाट, ये जो आपको लीडरशिप मिली आपको त्यागनी होगी, तो महादेव का ऑर्डर है, वो बोलेंगे तो त्याग देंगे उसी समय पे। तो उसी तरीके से सब लोग फेमस होने की या फिर मेंशंस में दिखने की या फिर स्टोरी डालने की रील बनाने की कोशिश करते हैं, फेमस हो जाने की कोशिश करते हैं, रेदर देन हमें अपना पर्पस सॉल्व करना चाहिए। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा में आना भी नहीं चाहते, जो एक ऐसी बात कह जाते हैं जिससे बहुत हौसला बढ़ जाता है, और ऐसे लोग भी बहुत मिले। तो मैं बस ये चाहूंगा कि एक ही विचारधारा के साथ हम चलें, यहाँ पे त्याग की भावना सबसे पहले होनी चाहिए। जब आप अपना त्यागने के लिए रेडी होंगे तभी हिंदू राष्ट्र ये राम राज्य बनेगा, क्योंकि राम जी की सबसे पहली सबसे अच्छी टीचिंग तो यही है, त्याग की भावना। तो ये बात क्लियर है कि सारी सोच किसी संप्रदाय विशेष के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है जी, हाँ फेवर में बिल्कुल है, मतलब इट्स टोटली प्रो इंडिया प्रो हिंदू, बट आई सी होल वर्ल्ड एज अ हिंदू राष्ट्र, आई सी एवरीवेयर भगवान एंड राम राज्य, उसके अंडर जिसको भी अपने जैसे भी, क्योंकि हमारे में तो देखो शैव पंथ भी है, वैष्णव हैं, कृष्ण जी को पूजने वाले अलग हैं, जब बिल्कुल, तो हम तो हमेशा से हम निराकार और साकार दोनों में बिलीव करते हैं, किसी को पेड़ में भगवान दिखते हैं वो पेड़ में देखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही हिंदू राष्ट्र है और यही सबसे पीसफुल राष्ट्र है। लोग के चक्कर में धर्म को भूल गए, जब रिलीजन इंट्रोड्यूस हुए दुनिया के अंदर, पहले सिर्फ सनातन धर्म था, रिलीजन जब इंट्रोड्यूस हुए उस समय पे लोगों ने पहले तो रिलीजन को ऑप्ट किया, साथ में अंधविश्वासों को ऑप्ट किया, उससे जब लोगों को एजुकेशन मिली, साइंटिफिक हो गए लोग, उन्होंने देखा कि रिलीजन तो कुछ भी नहीं है, ये तो गलत बता रहा है, ये तो सही बता ही नहीं रहा कि धरती चपटी है या फिर कुछ भी ऐसा जो रिलीजन में बताया हुआ। आप जानते हैं गैलीलियो को घर में बंद कर दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया था उसको इस बात बोलने में कि धरती गोल है, जबकि हम तो नवग्रह की पूजा कब से करते हैं,
सनातन सत्य है, जैसे शिव शाश्वत है वही सब तरफ है, सनातन सब तरफ है। उसके बाद जब रिलीजन इंट्रोड्यूस हुए तो लोगों ने पहले उसको फॉलो करके देखा, एक दूसरे को काट मार दिया, सारी दुनिया में हाहाकार मच गया। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के विलुप्त होने की वजह से हुआ है, इतना छोटा जो सनातन धर्म का वो कर दिया, जो कि केंद्र था दुनिया का, हर कोई सनातनी था। अब साइंटिफिक एज आ गई तो सब एथिस्ट हो गए हैं। अब बोलते हैं कि वॉटर, वॉटर क्या है, H2O है। मैं काफी बार एग्जाम्पल देता, H2O है, H2O दो हाइड्रोजन के कंपाउंड एक ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, गैस क्या है, व्हाट इज ग्रेविटी, दे डोंट नो, बट वो एक तर्क दे देते हैं कि अच्छा ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, तो ये ऐसे है। उस फॉर्मूला को बनाया किसने, सेट किसने किया है, वो सेट करने वाला तो वो है ना। अगर सूरज उग रहा है रोज तो क्यों उग रहा है, घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, ग्रेविटी है तो क्यों है, कहां से आ रही है ग्रेविटी, भगवान की ईथर शक्ति है। ये हमारे हमारे धर्म ग्रंथों में सब जवाब है, ये भगवान की ईथर शक्ति है, ये जो हम लोग जो भगवान से जुड़े हैं इस जमीन पे, हमारी वजह से ग्रेविटी है यहाँ पे। भरत कहा जाता है ऐसा, और एक्चुअली कहा नहीं जाता, सच्चाई ये है कि जियोपॉलिटिक्स की तो हम बाद में तब किसी और दिन बात करेंगे, या पर्सनली जिस दिन आप और मैं मिलेंगे बैठ के बात करेंगे, लेकिन भारत की जो हिस्ट्री है ना, जो साइंटिफिक हिस्ट्री है, स्पिरिचुअल अलग है, जो साइंटिफिक हिस्ट्री है उसको दबाने की इतनी कोशिश की जाती रही है, क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो उनसे बहुत पुरानी और बहुत इवॉल्व है। अब कोई कैसे मान ले कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसीलिए उसको दबाने की पूरी कोशिश आज भी की जाती है, पहले भी की जाती रही है। जरूरत यह है कि सब पूरा भारत साथ हो और अपने इतिहास को जाने, है ना, आपकी भी मुहिम की तरफ से। वही कोशिश है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, अगर भगवान महादेव की कृपा से इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बना और प्लेटफॉर्म मिला तो सीधा एक ही बात दिमाग में आई, तो प्रचार जितना हम आज के जीवन में, तलवार से ज्यादा प्रचार काम आएगा। और सोशल मीडिया आपके हाथ में है, रील्स बनानी है तो मंदिरों में रील्स बनाओ, रील्स बनानी है तो भगवे पहन के रील्स बनाओ, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रील्स बनाओ, महामृत्युंजय पढ़ते हुए रील्स बनाओ। ये जो लोग बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एकदम से जागे हुए हिंदू हैं, एकदम से जागे हुए मतलब कि फ्लो में हो गए, जो दुनिया का दस्तूर है कि लोग भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। जानो सनातन धर्म को, जब जान जाओगे उसको तो ऊर्जा ही कुछ और होगी, तो एक एक फिर लाख लाख से लड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है भरत, आई थिंक मेरी तरफ से या जो लोगों ने सवाल किए थे वो तो यही थे, और मैं आशा करता हूँ लोगों को उनके जवाब भी मिले होंगे। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, अगर आप खुद किसी और से बात करना चाहते हैं तो आई कैन एक्सेप्ट दिस कन्वर्सेशन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। नहीं नहीं आप और किसी को तो ऐड करना, मैं आपको बता चुका हूँ अपनी विचार क्या है उसको लेके, कि प्लेटफॉर्म की गरिमा होती है कुछ ना कुछ, एंड हम मेहनत करके प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हमने बहुत ज्यादा बातचीत करी है, लोगों के साथ इंटरव्यूज किए हैं, तो वी नो हाउ टू टॉक एंड वो गरिमा को कैसे बनाना है। तो मैं कभी भी ऐड नहीं करता हूँ किसी को भी, अनलेस एंड ये एक मोटिवेशन भी देता है ना युवा को, वो मोटिवेट होगा कि हाँ मैं और मेहनत करूंगा तो मुझे लाइव करने को भी मिलेगा, मैं कुछ लाइव में प्रूव करूंगा। तो एंड मेरी तरफ से ऐसे चांसेस मैं हमेशा प्लेटफॉर्म देता रहता हूँ लोगों को, मैं हमेशा दूंगा जो अच्छा काम करते हैं। जिन लोगों को भी कल आपत्ति हुई थी, दुख हुआ था, और जिन लोगों ने भी मुझे जो भी मैसेज किए, कॉल्स किए, और जो भी प्रॉब्लम्स थी, आई होप मैं यही बोलूंगा कि सुबह का भूला अगर वापस घर आ जाए तो मेरे तो द्वार हमेशा खुले हैं, भूला नहीं है, मेरे द्वार हमेशा खुले हैं उनके लिए। और जो नहीं भी अभी भी समझ रहे मेरी बात को, तो मैं मुझे पता है एक दिन वो समझेंगे। तो सबके लिए सबसे पहले प्यार है, हिंदू धर्म के पास, सनातन धर्म के पास सबसे पहले प्यार है, हाथ खुले हैं हमारे। और जैसा मैंने एक कमेंट से, ये सब जो एक मेरी तरफ से सीधी सीधी वॉर जो स्टार्ट हुई थी वो इस कमेंट से स्टार्ट हुई थी, कि अगर प्यार से जय श्री राम बोलोगे तो सिर पे चढ़ा लेंगे, अगर सिर पे चढ़ के कान में मूतोगे तो मिट्टी में मिला देंगे। मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता हूँ, बट मेरी ये वहां से चीज स्टार्ट हुई थी। तो अगेन वही है, जिन्होंने प्यार से जय श्री राम बोला, मैंने अपनी बात मैं उस बात पे रुका, जिन्होंने प्यार से जय श्री राम बोला उनको सिर पे चढ़ाया है, और उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, उनको मैं कभी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, जो भी राम भक्त हैं और जो भी इस देश का हित नहीं चाहते हैं, जो इसकी बुराई में करेंगे, उनके अगेंस्ट मैं सबसे आगे पहले ही खड़ा हूंगा। बिल्कुल, ऑलराइट भरत, गुड मैसेज, आई थिंक लोगों को कुछ और बेहतर समझ आया होगा, शांत हो जाएंगे लोग। आई एम गोइंग टू एग्जिट द कॉल, आप कंटिन्यू कीजिए, आपको कुछ मैसेज देना लोगों को, यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट। ठीक, थैंक यू सो मच, राधे राधे भाई, राधे।
ठीक है, बातें तो काफी हो गई हैं एंड स्लीप डिप्राइव्ड भी मैं हूँ. कल रात को ड्राइव कर रहा था. जल्दी मिलना होगा वापस इवेंट पे. एक इवेंट हमारा आ रहा है चंडीगढ़ के अंदर एयरपोर्ट रोड पे, एक्चुअली मोहाली के अंदर एयरपोर्ट रोड पे स्टैटिक जिम, उसकी मैं अपडेट दूंगा आपको. और बस कुछ ना कुछ एक अपना जरूर पोस्ट शेयर करें हिंदुत्व को लेकर हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर. और नहीं कुछ हम कर सकते हैं तो ये तो कर ही सकते हैं, अपनी कोशिश जारी रखें. और जिनके सबके कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ. जय श्री राम.